थला धोनी ने आखिरी ओवर में छक्का मारा, लेकिन फिर भी चेन्नई हार गई। चेन्नई फैंस को समझ में नहीं आ रहा है कि कल के मैच के बाद नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक, रणतंत्र में आपका स्वागत है। T20 लीग शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। ओपनिंग सेरेमनी चौकस, अरिजीत सिंह की परफॉर्मेंस झकास, ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग माशाल्लाह, मोहम्मद शमी की बॉलिंग लल्लन टॉप, गिल की बल्लेबाजी ने जीत लिया दिल, और गुजरात ने जीता मैच सुपर से भी ऊपर। मजा आया, लेकिन अपना दिन तो महेंद्र सिंह धोनी को देखकर बना है। जब आप किसी खिलाड़ी को देखकर उसके फैन बनते हैं तो एक बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। वो खिलाड़ी अपने खेल से बार बार आपको चौंका देता है, कभी कभी ऐसी परफॉर्मेंस दे देता है कि फैंस का सीना चौड़ा हो जाता है। वो खिलाड़ी बड़ा होता जाता है, उसके साथ फैंस की फैनगिरी भी बड़ी होती जाती है, लेकिन एक दिन वो खिलाड़ी खेल को अलविदा कह जाता है। खिलाड़ी तो चला गया, लेकिन जो फैन की इमोशनल टेरिटरी थी वो वैसी ही पड़ी रह जाती है। धोनी के केस में भारतीयों के साथ यही हुआ है। ऐसे में जब उनको T20 लीग में देखने का मौका मिलता है तो करोड़ों लोगों की आंखें चमक उठती हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गुजरात के होम ग्राउंड में पीली जर्सी वाले नीली जर्सी से ज्यादा थे। और फिर जब धोनी ने आखिरी ओवर में आकर वो 85 मीटर का छक्का मारा, ओ हो, फिर तो हम सब टाइम मशीन में बैठकर 2011 में घूम आए। लेकिन ऐसे ही पिछले साल हुए T20 लीग में कई लोग घूमे हैं। अरे भाई, अगर आप करोड़पति बन जाएंगे तो घूमना फिरना तो लगा ही रहेगा ना, उस हिसाब से बोल रहा था मैं। और माई 11 सर्कल आपने पिछले साल हुई T20 लीग में 50 मैचों में 50 लोगों को करोड़पति बनाया है, तो आप भी इस बार मौका मत चूकना जैसे ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चूके। 2023 के T20 लीग के ओपनर में जब हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि उन्होंने एक रखी कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार दिया। वो कुल्हाड़ी थे गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। जब पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के मारे थे, मुझे तभी समझ में आ गया था कि ये खिलाड़ी अब वाइड बॉल क्रिकेट में धूम मचाने वाला है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। लेकिन पहले ही मैच में ऋतुराज गायकवाड़ सबसे ज्यादा चमक गए, जिसमें बेन स्टोक्स, राशिद खान और हार्दिक पांड्या जैसे दिग्गज शामिल हैं। और वैसे भी जो खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को गलत साबित कर दे उसको तो स्पेशल होना ही है, #spark नहीं है। एक तरफ चेन्नई के बाकी विकेट गिरते रहे, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पिच अपने साथ लेकर आए हैं। भाई ने थोक के भाव से छक्के लगाए, मिड विकेट के स्टैंड में बैठे दर्शकों का तो पैसा वसूल हो गया। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ बन गए अब्बा और गुजरात के गेंदबाज बन गए हारमोनियम। वो तो ऋतुराज 92 के स्कोर पर आउट हो गए और सेंचुरी बनाने से चूक गए, लेकिन ऐसा समझ लीजिए पिछले पूरे सीजन 14 छक्के मारने वाले ऋतुराज गायकवाड़ इस बार पहले ही मैच में 9 मार दिए हैं। पहले उनकी बेहतरीन पारी और फिर आखिरी ओवर में धोनी भैया की दो बाउंड्री की मदद से चेन्नई ने गुजरात के सामने जीतने के लिए 179 का ठीक ठाक टारगेट रखा। लेकिन क्या आपने इस T20 सीजन अपना टारगेट सेट किया है? माई 11 सर्कल ऐप वाले सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, सोचो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। और ये सब हवाई बातें नहीं है, पिछले साल हुई T20 लीग में 50 मैचों में 50 लोग करोड़पति बने हैं। इस बार आप भी मौका मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इस पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। कोलकाता और पंजाब के बीच आज मैच है 3:30 बजे। इस मैच की टीम बनाओ, मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका है। बाकी 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस है और मेरा कूपन कोड लगाया तो फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। आज होने वाले मैच की टीम वीडियो के एंड में बनाकर आपको हेल्प कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तारीफ कर लेते हैं गुजरात की। ऋतुराज को छोड़कर चेन्नई के बाकी बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो गए गुजरात वाले, जिसकी सबसे बड़ी वजह राशिद खान और मोहम्मद शमी थे। और फिर अपने चेज की शुरुआत बड़े अच्छे से करी उन्होंने। शुभमन गिल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी पारी का आगाज वहीं से किया जहां पर उन्होंने पिछले साल फाइनल जीतकर छोड़ा था। पहले रिद्धिमान शाह के साथ 37 की बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद साई सुदर्शन के साथ दूसरे विकेट के लिए हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप, खुद 36 में 63 की शानदार पारी और गुजरात को बिल्कुल जीत की दहलीज पर छोड़ने का काम शुभमन गिल ने किया। शुभमन गिल ने सब कुछ बड़े क्लास तरीके से किया। उनका विकेट लेने वाले चेन्नई के इंपैक्ट प्लेयर तुषार देशपांडे थे, लेकिन इस मैच में तुषार बस यही इंपैक्ट डाल पाए। इनफैक्ट उनका प्रदर्शन बॉलीवुड में तुषार कपूर के प्रदर्शन से भी ज्यादा खराब रहा। वो तो भला हो पहला मैच खेल रहे राजवर्धन हंगरकर का, जिन्होंने 3 विकेट लेकर चेन्नई को मैच में बनाए रखा। एक टाइम पर गुजरात का रिकॉर्ड रन रेट 10 के ऊपर चला गया था। इस टूर्नामेंट में फाइनली चेन्नई वाले गुजरात को हराने के सपने देखने लगे थे, लेकिन ये साल पठान का है। पहले शाहरुख खान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया और फिर जैसा कि हमने कहा था राशिद खान पर निगाह रखिएगा। राशिद खान ने 19वें ओवर की 2 गेंदों में लगातार बाउंड्री लगाकर गुजरात की जीत लगभग पक्की कर दी। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीतने के लिए 8 रन डिफेंड करने थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास आखिरी ओवर फेंकने वाले तुषार देशपांडे थे, जो 2 गेंदों में ही 8 रन लुटा बैठे और इस तरह गुजरात पहला मैच 4 गेंद और 5 विकेट रहते जीत गया। कोई बात नहीं दोस्तों, धोनी भाई एक बार फिर वापसी करेंगे, लेकिन आज दिन है प्रीति जिंटा वर्सेस शाहरुख खान यानी कोलकाता वर्सेस पंजाब का। और इस मैच के लिए मेरी टीम माई 11 सर्कल ऐप पर
ये होने वाली है। विकेट कीपर भानुका राजपक्षे, बल्लेबाज नीतीश राणा, शिखर धवन, जबकि थोक के भाव में मैंने ऑलराउंडर्स भरे हैं, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, सैम करन और लिविंगस्टन। गेंदबाजी करेंगे हर्षदीप सिंह और उमेश यादव। कप्तान सोच रहा हूं बना दूं रसल मसल को, जबकि उप कप्तान है सैम करन। तो ये बन गई मेरी टीम। आपको भी करोड़पति बनना है तो तुरंत से पहले माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, उस पर अपनी टीम बनाओ और खूब सारा कैश डेली कमाओ। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। बाकी आज शाम को पहला मैच खत्म होने के बाद मिलेंगे इसी चैनल पर एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।